जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉस इज कमिंग अलोन राइडिंग ऑन द स्ले। बस इतना याद है मेरे को। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, स्वागत है आपका सभी में। और आज की वीडियो में द ट्विंस के घर पे क्रिसमस पार्टी, और आप सही समझ रहे हो, इस पार्टी में मेरे को इन्विटेशन मिला गया। ऐसे मैं किसी भी पार्टी में मुंह उठा के कभी नहीं जाता। तो फिलहाल इन्होंने सारे दरवाजे हटा दिए मेरे लिए, फटाफट से पार्टी में चलते हैं, अपना मजा करेंगे। एकदम नया पेंट करवा दिया दादी ने पूरा। तो फिलहाल आते ही मेरे को मिल चुकी है आयरन डिस्क, इसको लेके चलते हैं। और यहाँ से आते ही मैंने अपना डिस्को पजल भी सॉल्व कर दिया है। और कोई सा आ रहा क्या? तो फिलहाल कोई नहीं आ रहा। आते ही मेरे को मिल चुका है अपना स्क्रू ड्राइवर को लेके फटाफट से कट लेता हूँ मैं। ऐसे कटना गए पर ग्रैनी ग्रैंड पाओ सबको यहाँ पे बुला लेते हैं, ग्रैंड पाओ तो सुना ही देगा। तो फिलहाल सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं, मैं दूसरी साइड से निकलने की सोच रहा हूँ। और फिलहाल ये दोनों भी आ चुके हैं। और कैसे पकड़ लिया इसने मेरे को, मैं अंदर छुपा हुआ था, इसने पकड़ लिया। तो फिलहाल पहले मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आया मेरे साथ हुआ कैसे ये सब। देख फिलहाल अब बदला लेने के समय आ चुका है। कुछ भी हो रहा है इस गेम में, पता इनसे झुका तो जाता नहीं, मेरे को पकड़ लिया उन्होंने। फिलहाल ग्रैंड पा ने भी देख लिया। तो फिलहाल यहाँ पे मिल गया डायनामाइट, अब इस बुड्ढे की छुट्टी हो जाएगी। आ जा बुढ़ा तो आ जा। तो फिलहाल ये करा मैंने कबूक, अब यह बुड्ढा उड़ जाएगा। तो फिलहाल ये हमारे ग्रैंड पा उड़ के सीधा डायरेक्ट नीचे फूट गए। और फिलहाल अब हम आते रिवॉल्वर पार्ट मिल गया, एक और रिवॉल्वर पार्ट मिल गया। अब बस एक रिवॉल्वर पार्ट और चाहिए, और रेड की से मैं डोर भी खोल देता हूँ। तो फिलहाल क्या पता रिवॉल्वर पार्ट यहीं कहीं हो, यहाँ पे नहीं है। बस एक ही चाहिए फिर रिवॉल्वर एकदम रेडी हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे अपना कोड डालते हैं 2241। और मिल गया आयरन कोक। इस आयरन कोक को बाद में उठाएंगे क्योंकि मेरी इन्वेंटरी पूरी फुल है और मेरे को इन आइटम्स की ज़रूरत है। तो फिलहाल अब मैं सोच रहा हूँ बीटल के पास चलते, उसे मारेंगे। यहीं से फेंक देता मैं डायनामाइट, लेकिन वो गलत गिर चुका है और मैं भी गिर गया। तो फिलहाल पता नहीं क्या हो रहा है इस गेम में, डायनामाइट मैंने बिल्कुल सही फेंका था लेकिन मेरे पे क्रैश हो गया। और एक और रिवॉल्वर पार्ट मेरे को मिल चुका है, अब बनेगी तगड़ी वाली रिवॉल्वर। ये गया मैं नीचे, एक पार्ट रखा यहाँ पे, और ये रहे मेरे दो के दो पार्ट्स, ये रखा, ये रहा थर्ड पार्ट, रिवॉल्वर एकदम रेडी। आप बिड़ लो कोई सा भी जिसमें दम है। तो ग्रानी तो अपना कट ली और बक ने अपनी जान दे दी। तो फिलहाल बॉब और ग्रैनी ग्रैंड पा पिटने वाले हैं। प्लैंक को यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ, अपने कोग ले आता हूँ फटाफट से। और ग्रैंड पा सो रहा है क्या तू? अभी तक इस रिवॉल्वर कोई शिकार नहीं हुआ, चार की चार बुलेट्स हैं मेरे पे, कोई सा भी सामने आने की गलती नहीं कर रहा अभी तक। फिलहाल ये मैंने आयरन कोग लगा दिया, यहाँ से उठाते हैं अपना प्लैंक और पेंटिंग लेके आते हैं। ये सारे इन्वेंटर में खोल दूंगा, एकदम ढीले कर दूंगा। ये खोल दिया, ये खोल दिया। ट्यून देखो इतनी बढ़िया चल रही है क्रिसमस की, किसने देखा किसने देखा। फिलहाल इनकी लाइट भी आ चुकी है, ये उठाते अपनी पेंटिंग, ये उठाई अपनी पेंटिंग, इसको कर देता हूँ मैं नीचे ड्रॉप। ये बॉब आ गया, इसका क्या करेंगे, मार दूंगा। तो फिलहाल अभी मेरे को चाहिए एक और डायनामाइट, क्योंकि मेरे को जाना है फिर से बीटल के पास, उसके बचा के आने हैं। फिलहाल ग्रैनी आ गया, अभी लड़ने का मन नहीं। ग्रैंड पा भी आ गया, पिटना तुम ही चाहते हो, मेरी कोई गलती नहीं है। फिलहाल ग्रैनी भी आ गई, इसके भी रख दिया, इस मोटे के यहीं से रख दिया, टाइम नहीं मिलता इतना। और वो जब्बा क्या बियर ट्रैप से मर चुका है, अब बारी है इसके बीटल के मरने की। और ये आया बीटल, ये फेंका मैंने अपना डायनामाइट दूर, और अभी उड़ जाना है। और ये उड़ गया बीटल। और अब यहाँ का ट्विस्ट देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने लगा दिए ग्रैनी ग्रैंडपा ने स्क्रूज, लेकिन मैं इतना चलाक हूँ पहले से स्क्रू ड्राइवर लाया अपना। ये खुल क्यों नहीं रहा, ये खुल क्यों नहीं रहा भाई, ये बीटल हट रहा है रास्ते में। अरे यार इसको साइड करना पड़ेगा एक मिनट, चल 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 परे हो, इसको साइड कर दिया। अब यहाँ से मैंने स्क्रू खोला, यहाँ से मिल गया पंप हैंडल, और अब फटाफट से मारता हूँ यहाँ पर रिलोड। और किसी को पंगे लेने तो ग्रैनी को पंगे लेने, इसके रख दिया मैंने। और किसी को दिक्कत हो तो आ जाओ, फिलहाल इस बक के दिक्कत है इसके भी बजा देते हैं, या इसके भी रख दिए, मोटा बड़ा टाइम लगा यहीं से उठा दूंगा। और ग्रैंड पर आ गया, उसको बाद में देख लेंगे, यहाँ से उठाते अपना, नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो फिलहाल पंप हैंडल से फटाफट से मैं इस होल्ड करके बॉक्स को तोड़ देता हूँ हैमर से। क्रोबार मैंने पता नहीं कहाँ गिराई है, मिल नहीं रही। फिलहाल स्विच बोर्ड की को लेके चलते ऊपर,
अपने दादाजी भी आ गए, इनको भी रख देते हैं। तो फिलहाल अब वक्त है आयरन कोक को लेके चलते हैं और बटन को लेके, स्विच बोर्ड की अभी जरूरत नहीं है, इसे उठा लूंगा बाद में। तो फिलहाल आयरन कोक लगाने के बाद मेरे को मिला है हैंड व्हील, इस हैंड व्हील को लेके फटाफट से चलते हैं नीचे। बस ऑलमोस्ट सारे काम हो गए, इसके बाद बस गोल्ड को लाना है और अपना काम कंप्लीट, एस्केप एकदम। ये लगा दिया मैंने अपना हैंड व्हील और अब फटाफट से चलते हैं अपने गोल्ड कॉइन लेने। फटाफट एकदम स्पीड में उछलता कूदता जा रहा हूँ मैं, और स्विच बोर्ड की को भी लेके चलते हैं, गोल्ड कॉइन बाद में उठा लेंगे क्योंकि अभी बो बक्स मरे हुए हैं, मैंने उनको टपका दिया ना, इसलिए स्विच बोर्ड की को लेके फटाफट से ऊपर चलते हैं। और यहाँ से एक बार ब्लू की लेके मेरे को आपको एक सीक्रेट रास्ता दिखाना है, एक एस्केप रूट दिखानी है। होप आपको पहले से पता होगा लेकिन फिर भी मेरा दिखाना फ़र्ज है। और अब मेरे को मिल चुका है यहाँ से डायमंड, इस डायमंड को लेके चलते हैं फटाफट से नीचे। तो अब दिखाता हूँ मैं अपनी वो एस्केप रूट, फिलहाल यहाँ से रिलोड मारा। ये देखो यहाँ से जा रहा है एक बढ़िया वाला रास्ता, और ये रास्ता जा रहा है एक बहुत ही बढ़िया जगह पे, जैसे कि आपने देखा वो सेंटा क्लॉज चिन्नी से आता है और गिफ्ट दे के जाता है, वैसे ही यहाँ पे एक चिन्नी एस्केप, यहाँ से चिमनी एस्केप हम कर सकते हैं, लेकिन आज की वाली वीडियो में मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आज की वाली वीडियो में होगा डोर एस्केप। और अगर आप लोग देना चाहते हो चिन्नी एस्केप तो भाई नीचे कमेंट कर दो, ज़रूर करूँगा मैं। तो फिलहाल अभी तो अपना डोर एस्केप करते हैं हम लोग, और ये आ गई हमारी ग्रैनी, इसको सुला देते हैं। हमारी रिवॉल्वर पूरी रिलोड है इसलिए उड़ा दिया इसको मैंने, और बॉब बकवेर को बुला लेते हैं, उनको भी उड़ा देंगे कि बारी में कौन सा आएगा कहाँ से आएगा, बस बता दो। ग्रैनी को गिरा देते ताकि इसकी गिरने की आवाज़ से दुनिया आ जाए, जनता आ जाए, और फिर हम बजा देंगे। मोटा है इसके बजा दिए, और कौन सा आता है ये आया इसके भी बजा दिए, ग्रैंड बात छुप के बैठ गया कहीं पे। फिलहाल उसको छोड़ो, हम अपना गोल्ड कॉइन लेके आते हैं फटाफट से। यहाँ पे रखा है मेरा एक गोल्ड कॉइन, ब्लू घी की जरूरत नहीं है, इसको लेके फटाफट से ऊपर चलते हैं। तो फिलहाल मैंने अपनी रिवॉल्वर खाली कर दिया, ग्रैंड को एक बार मैं डायनामाइट से उड़ाना चाहता हूँ। तो फिलहाल ये रहे हमारे ग्रैंड पा, ये फेंका डायनामाइट, 3 2 1 बूम, ग्रैंड पा उड़ा दिया मैंने। फिलहाल अब करते हैं अपना एस्केप, ये पड़ी मेरी आयरन डिस्क, इसको लेके फटाफट से, ये लगाई मैंने आयरन डिस्क, ये उठाई पेंटिंग और हो गया एस्केप। तो चलो गाइस, ये था द ट्विंस का क्रिसमस एटमॉस्फेयर, होप आपको मजा आया होगा। आज की वाली वीडियो के लिए इतना काफी है, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब हो जाना। फिलहाल मैं चला कोई वीडियो बनाने के लिए, बाय बाय।